गाइज अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये मेरा जूता जो है टूटा हुआ है और ये टूटा हुआ डिलीवर मेरे को हुआ है और ये कुछ देर पहले ही मेरे को डिलीवर हुआ, तो मैंने अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ और इस वीडियो में आपको अनबॉक्सिंग और छोटा सा रिव्यू देखने को मिलेगा, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें। हे व्हाट्सअप गाइज, कैसे आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और मेरे पास डिलीवर हो चुका है एशियन इनोवा 2। एशियन इनोवा का जो है सेकंड जनरेशन लॉन्च हो चुका था कुछ दिन पहले ही, बट मेरे पास जो अभी ये शूज आ गया है तो अभी आपको बहुत कम ही यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा। तो ये मेरे पास आ चुका है और इस वीडियो में मैं इसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और थोड़ा सा फर्स्ट इंप्रेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें। और इससे पहले हम जो कैंपस का फर्स्ट रनिंग शूज़ मंगाए थे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम था जिसके वजह से उसको जो हम रिटर्न कर दिए, और उसमें अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो वो आप एक बार ज़रूर से चेकआउट करना। तो मैं इसको कर रहा हूँ अनबॉक्स और ये पेपर का रैप में है, तो इसको अच्छा ओके। और भाई इसमें जो है इसका बिल वगैरह है, तो इसको बाद में हम चेकआउट करेंगे, इसको रखते हैं उस साइड में। और भाई पहला बार जो है ये हमारे पास जो है अच्छा से पैकेजिंग में ये जो है फ्लिपकार्ट डिलीवर किया। और भाई इसका ना वेट थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि ये जूता का वज़न 400 ग्राम है और ये पता नहीं क्या है और ये देख लीजिए गाइस, इसका काफ़ी जो है ये ऑरेंज और ब्लू कलर का जो है कॉम्बिनेशन किया हुआ है बॉक्स में, जो कि काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। और ये देख सकते हो यहाँ पे इसका MRP वगैरह लिखा हुआ है और यहाँ पे पीछे में एशियन वगैरह लिखा हुआ है और यहाँ पे भाई पूरा एशियन वगैरह लिखा हुआ है। और इसमें कुछ खास है नहीं, बट इस बार जो काफ़ी अच्छे से पैकेजिंग वगैरह मेरे को डिलीवर हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लगा, थैंकफुल फ्लिपकार्ट। और चलिए मैं इसको करता हूँ अनबॉक्स, थोड़ा सा पास लेके आ जाओ। और ये ऊपर में पूरा एशियन लिखा हुआ है और ये देख लो आप, तो यहाँ पर ये रहा मेरा प्यारा सा शूज। और इसके अंदर कुछ है तो कुछ नहीं है, इसको यहाँ पे रखते हैं। और इसके अंदर भाई एक बैग वगैरह है जो कि अच्छी बात है, कहीं पे एशियन वगैरह का ये लोगो लगा हुआ तो कहीं पे घूमने घूमने के लिए। देखो पूरा स्ट्रेचुअल है, वो आपको दिख नहीं रहा बट ये देखो आप पूरा स्ट्रेचुअल है और ये फुल्ली वाइट नहीं है, ये जो आप सोच रहे हैं ना पूरा वाइट, तो पूरा वाइट नहीं है। और इसमें जो है शू जो है ये पतला पतला सा इसका लेस है और इस लेस में ना वाइट का कॉम्बिनेशन किया हुआ है जो कि काफ़ी आपको अट्रैक्ट करने वाला है। और यहाँ पे रेड कलर का जो इसका किया हुआ है तो जो कि काफ़ी अच्छा है। और ये जो ऊपर का बॉडी बनाया हुआ ना ये पूरा मैश का बनाया हुआ है, तो ये रनिंग और वॉकिंग के लिए तो आपको भाई मचाएगा ये। तो ये इसका पीछे देख सकते हो ये वाइट वाला पार्ट है ना, तो ये ज़्यादा दबेगा आपको, लेकिन यहाँ से ऊपर वाला जो है ना ये थोड़ा सा आपको प्रेस करना पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है। लेकिन ये भी जो है रबर का ही इस्तेमाल किया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा है, तो मैंने इसको 2-4 दिन इस्तेमाल करता हूँ, 2-4 दिन नहीं मतलब इसको कम से कम 15 दिन इस्तेमाल करूँगा, उसके बाद आपको जो इस चैनल पे रिव्यू वीडियो देखने को मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करना और भी वीडियो। अभी कुछ ही देर पहले मैंने एशियन इनोवा 2 का जो सेकंड जनरेशन है इसको मैंने अनबॉक्सिंग किया, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो ये शूज़ वगैरह का, इसको मैंने अभी जो है अभी अनबॉक्सिंग किया था। बट इस टाइम आप नॉर्मली देखो तो ये दिख नहीं रहा इसमें, लेकिन ये ना डैमेज प्रोडक्ट है, इससे पहले भी मैंने मंगाया था कैंपस का, उसमें डैमेज था तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया था। और ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये कट दिख रहा है ना, मैं बैक कैमरे से दिखाऊंगा ना तो आपको अच्छे से दिख। तो गाइज देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे जो ये शू जो मेरा टूटा हुआ है और यहाँ पे अच्छे से आपको दिख रहा होगा, तो ये जूता को मैं वापस कर रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइए इसको वापस कर दें या क्या करें। तो मैं इसको ना अभी रिटर्न कर रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना रिटर्न करना ठीक है या ना, ओके।